धारदार हथियार से मारा और पिटा के लिया। पत्रकारों के सामने क्या परेशानी है आपके साथ में जो आप यहाँ आए हुए? ये हमारी बेटी 29 तारीख को स्कूल गई थी, जो कि किस स्कूल गई थी? आरएलवी स्कूल, विकासनगर सेक्टर 14। क्या नाम है स्कूल का? रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, विकासनगर सेक्टर 14। वहाँ गई थी तो क्या हो गया? 8:30 बजे स्कूल हम खुद ही छोड़ के। क्या नाम है आपकी लड़की का? दिव्या गौतम। दिव्या गौतम जी, हाँ तो क्या हुआ? वही 8:30 बजे हम छोड़ के आए थे स्कूल में, तो वही 3:30 बजे छुट्टी होती, जब स्कूल हम लेने गए तो स्कूल भी नहीं थी। तो आपने कहीं ढूंढने की कोशिश की, किसी बच्चे के साथ तो नहीं चली गई थी? नहीं, ये हमने फिर ढूंढने की कोशिश की, स्कूल में पता किया, स्कूल में पता चला कि बैग रखा हुआ है, बैग स्कूल में, वही 5:30 बजे हम बैग लेके आए स्कूल से, 5:30 बजे बैग लेके आए हैं, वही आसपास जब 3:30 बजे देखने इधर उधर नहीं मिली स्कूल में, काफ़ी पूछे नहीं मिली, तो अगल बगल जो कैमरे लगे कैमरे में हमने देखा, तो एक गाड़ी नंबर से उसको दो लोग ले जाते हैं। कहाँ पे देखा? सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कहाँ पे? टेढ़ी पुलिया सब्जी मंडी। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की? हाँ, इसकी शिकायत हमने पूरे थाने में की। 29 तारीख को ही हमने FIR के लिए काफ़ी दे दिया, 29 तारीख को FIR इन लोगों ने नहीं की, और 30 तारीख को FIR। तो आपकी लड़की कहाँ मिली? ये हमारी लड़की जो बिस्वा में मिली है, बिस्वा सीतापुर। हाँ, बिस्वा में रेलवे ट्रैक के पास। तो उसमें आपको पुलिस ने इन्फॉर्म किया था? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने इन्फॉर्म किया था, वही फिर हम उसको वहाँ पे लेने के लिए निकले, वही 11:30 बजे हम थाने पे, 1 तारीख को 11:30 बजे थाने, विकासनगर थाने पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से फ़ोन आया, सीता विश्वास से फ़ोन आया कि आपकी लड़की डेथ हो गई है। डेथ हो गई है वहाँ पर हम गए, फिर रास्ते में फ़ोन आया कि वो डेथ नहीं हुई, सीतापुर में आपके जिला अस्पताल में भर्ती है, यहाँ से रेफर कराने के लिए, वहाँ गंभीर चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, इसको रेफर कराने लखनऊ, रेफर कराने के लिए लखनऊ ले जाएंगे। वो लखनऊ ले आए तो आपकी बच्ची जीवित थी? जीवित क्या थी, वो मरणासन पर थी, वो कोमा में थी। कोमा में थी वो, अब क्या है? डेथ हो गई। कब डेट हो गई थी? 7 तारीख को। 7 तारीख को आप डेट हो। तो आपने किसके किस जो आपको बच्ची को मिले थे देखने की, आप जो गाड़ी से ले जा रहे थे उनको आप पहचानते हैं? हाँ, वो गाड़ी नंबर से उनका हम वही पहचानने वाले निकले, दूर जो दो लोग ले गए थे वो तो आपके मोहल्ले के थे? नहीं, दूर के रिलेटिव हैं, एक आपके रिश्तेदार थे? हाँ, दूर के रिलेटिव हैं एक, और एक गुप्ता, कृष्णा गुप्ता करके लड़का है। हाँ, तो आपके रिश्तेदार हैं, मतलब वो जान, मतलब लड़की भी आपको उनको जानती थी? नहीं, लड़की हमारा कभी उनका जाना आना है था ही नहीं है, लेकिन अब किस बहाने से लेके गए क्या है। लड़की की उम्र क्या थी? 15 वर्ष 7 महीने। तो अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? दो को गिरफ्तार कर जेल भेज, मामूली धाराओं में धारा लगा कर जेल भेजा है, उनकी भी जमानत हो गई है। मामूली धारा मतलब कौन सी? लमसम। अरे जो ये होता है, मतलब 302 नहीं लगी है? 302 नहीं लगी है, ना ही अपराध वगैरह कोई लगाए हैं। तो आपने इसके बाद किसी की शिकायत की कमिश्नर या किसी जगह पर? हमने ऑनलाइन शिकायत भी की थी, जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की थी, थाने भी गए, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई, अब अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अगर जो आरोपी फरार हैं और जो भी जिनको मामूली धाराओं में भेजा गया उनकी धाराएं नहीं बढ़ाई गई, और जो जो लोग भी फरार हैं उनको नहीं पकड़ा गया, तो अंततः ये रिजल्ट होगा कि जहाँ मेरी बेटी गई वहाँ जाना मुझे भी है, हम परिवार समेत जो है सचिवालय पे या तो गांधी प्रतिमा पे परिवार समेत आप उदार करेंगे। आपकी लड़की गायब हो गई थी 29 तारीख को, जब से कोई सुनवाई उनवाई नहीं हुई आपकी लड़की की? नहीं हुई। और आपकी लड़की कब मिली? 1 तारीख को मिली। 1 तारीख को मतलब सीतापुर में मिली थी। और अब क्या आपके अपराधी जो है जो लेके गए थे उनके ऊपर मुकदमा भी हो गया? कोई कार्रवाई भी पुलिस नहीं कर रही ज़्यादा? हल्की कौन सी धारा बंद कर दी आपको? नहीं मालूम। तो अब क्या चाहती हैं आपकी लड़की? हम चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बस हमारी लड़की का इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा? नहीं मिला।
और अगर अब नहीं मिला पुलिस, पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, कमिश्नर के पास आपने कोई शिकायत दर्ज की? क्षेत्रीय लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से मिलकर कोई बातचीत नहीं हो पा रही? कोई कोई तैयार नहीं हो रहा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? तो अब अगर ना तैयार हुई, अगर कार्रवाई फिर भी अब ना हुई तो क्या करेंगे बाबू?